हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली के टाइम हार्ट पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दिवाली का मौसम फेस्टिव सीजन होता है, यहाँ पर आपका खाना पीना, आपकी लाइफस्टाइल, आपका ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट और आपका एक्चुअल आसपास का एनवायरनमेंट वातावरण में बहुत सिग्निफिकेंट और सडन चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली हेल्थ हैजार्ड्स तो होता ही है। ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियाँ आपको विशेष रूप से रखनी चाहिए ताकि आपका दिवाली हेल्दी वे में बीत जाए और खुशी के साथ बीते, उसमें कोई दुर्घटना या प्रॉब्लम ना हो हेल्थ के रिगार्ड्स में। टॉपिक पर जाने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इस एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जरूरी है कि दिवाली के टाइम क्रैकर्स अगर हार्ट पेशेंट्स बर्न करें तो उसके साउंड से वो बचे, उसके स्मोक से बचे। ये स्मोक और साउंड दोनों ही हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। ये दोनों ही चीज़ों को हार्ट पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एक भी फटाका ना फोड़े, एक भी फुलझड़ी ना जलाएं और पूरी दिवाली आप घर पे बंद रहे, पर ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्थ के लिए अच्छी तो नहीं है। और ये सारी चीज़ों से आप जितना बचेंगे उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा आप इसको एक्सपोज रहेंगे और जितना ज़्यादा देर तक आप ये सारी चीज़ों के साथ एक्सपोज रहेंगे उतना ज़्यादा हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों के साउंड और ये सारी चीज़ों का जो स्मोक है इससे आप बचिए, ये आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा दिवाली पर कोशिश करिए कि ओवर ईटिंग मत करिए। दिवाली के टाइम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली जंक और स्पाइसी फूड ज़्यादा खाया जाता है। दिवाली के टाइम ज़्यादातर घरों में हेल्दी खाना नहीं बनता है, वो 5-7 दिन डेफिनेटली अनहेल्दी खाना ही बनता है। तो इससे आप बचने का प्रयास करिए जितना हो सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी आप चखे ही मत और दिवाली बिल्कुल ब्लाइंड ही निकाल दीजिए, ज़रा भी आपको खाने की अनुमति नहीं, ऐसा नहीं है, पर लेकिन जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करिए। मानसिक तनाव और एंजाइटी स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। कई लोगों की फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या सेलिब्रेशंस के टाइम थोड़ा एंजाइटी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, ओवरवर्क भी लोग कर लेते हैं, ऐसे टाइम पर थोड़ा रिलैक्सेशन करेंगे तो मानसिक तनाव कम रहेगा और आपको काम करने में और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अपने डाइट को प्रॉपरली मॉनिटर करिए। बहुत ज़्यादा तला हुआ फूड, जंक फूड नहीं खाएं, इसके बदले हेल्दी फूड्स खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्दियर ऑयल्स, ग्रेन्स, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खाइए। नमक बहुत ज़्यादा मत लीजिए, शुगर बहुत ज़्यादा मत लीजिए। दिवाली के टाइम ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप थोड़ा सा ध्यान देके अगर इसको कट डाउन करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपकी हेल्थ उतनी ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। दिवाली के टाइम रेगुलर बेस पर पानी पीना काफ़ी हेल्दी है। दिवाली के टाइम आप कोशिश करिए कि शुगर वाले ड्रिंक्स और कैफिनेटेड ड्रिंक्स से बचिए। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों से बचिए और लगभग 2-3 लीटर पानी पीजिए। ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेगा और आपकी हेल्थ को बिगड़ने से बचाएगा। इसके अलावा ये भी कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल भी मत लीजिए। अल्कोहल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आपकी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन भी कर सकता है, आपके खाद्य पदार्थों के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है, आपके डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक कंट्रोल को बिगाड़ सकता है। इसलिए दिवाली के टाइम में बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, वंस इन अ वाइल चलेगा, जहाँ तक पॉसिबल इसे अवॉइड करें तो अच्छा है। अल्कोहल अवॉइड करने के लिए और खासकर पार्टीज और सोशल फंक्शन में अल्कोहल अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके टिप्स पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज और पोल्यूशन से बचिए। बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज कई बार लोग डीजे की वजह से या म्यूज़िक की वजह से या मंदिर की आरतियों की वजह से इससे एक्सपोज होते हैं दिवाली के टाइम, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इस टॉपिक को भी हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन ये दिवाली के टाइम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दौरान ज़्यादा डांस रिचुअल्स या ज़्यादातर अलग अलग चीज़ों में लाउड म्यूज़िक या लाउड साउंड या क्रैकर्स के साउंड बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लोगों को, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल मेंटल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इससे बचें, इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि आप क्रैकर्स वगैरह जहाँ पर फोड़े जाते हैं उस जगह पर अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो एयर पोल्यूशन मास्क जो कि अच्छी क्वालिटी के हों वो पहने तो अच्छा है। N95 जो मास्क हम यूज़ करते थे कोविड के टाइम, उस तरह का मास्क या प्रॉपर एयर फिल्टर या पोल्यूशन वाले मास्क जो है वैसे आप प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे पार्टिकुलेट मैटर और उससे पोल्यूशन वाली खराब हवा आपकी श्वास नली के अंदर नहीं जाएगी तो हेल्थ बिगड़ने का चांस थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने आपको रेगुलर बेस पे प्रिस्क्राइब करी उन्हें भूलिए मत, उनको रेगुलर बेस पे लेते रहिए। दिवाली के टाइम इस दवाइयों का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान आपकी मेडिसिन को बिल्कुल मत भूलिए और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एक बार दिवाली से पहले कंसल्ट उनको कर लीजिए। जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया उनको प्रॉपर वे में लेते रहिए और उनको मिस मत करिए, एक्स्ट्रा स्टॉक रखिए। कई बार दिवाली के टाइम डॉक्टर के क्लिनिक, डॉक्टर के हॉस्पिटल्स या फार्मेसीज भी बंद रह सकती है, तो थोड़ा दवाइयों का एक्स्ट्रा स्टॉक रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा घर पर कोई भी तरह की इमरजेंसी के लिए तैयारी रहनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है, पेशेंट को छाती में दर्द होता है, लोगों को लगता है अरे यार खराब खा लिया, खट्टा खा लिया, एसिडिटी हो गई, गैस हो गया, इसलिए प्रॉब्लम हो रही हुई, और कई बार इस टाइम पर हार्ट अटैक होता है।
दिवाली के टाइम या जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, उस दिन हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना पोल्यूशन होता है। इसकी वजह से अगर उस दौरान आपके घर पे हार्ट पेशेंट्स हैं तो उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉशियस रहिए, और यदि उनको छाती में दर्द, घबराहट, बेचैनी कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत जाकर डॉक्टर से संपर्क करिए। कोई भी हार्ट हॉस्पिटल में डेफिनेटली कोई ना कोई डॉक्टर या कोई ना कोई ECG टेक्नीशियन कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जहाँ पे भी ICU फैसिलिटी है वहाँ कंप्लीटली बंद होगा ऐसा कभी भी नहीं होता, ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स में, तो इसलिए कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट जाके ECG करा लेंगे तो 70-80% आप सेफ हो जाएंगे। इसके अलावा दिवाली के टाइम थोड़ा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करिए। दिवाली के टाइम लोगों की एक्सरसाइज बंद हो जाती है जिससे भी लोगों की हेल्थ बिगड़ती है, तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए। इससे आपकी BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे पैरामीटर्स बिगड़ेंगे नहीं और आपकी हेल्थ बिगड़ेगी नहीं। इसके अलावा सडन हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई सडन मूवमेंट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ मत करिए, इससे भी लोगों को मसल डैमेज और बाकी इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसलिए सडन हैवी वेट लिफ्टिंग या सडन मूवमेंट्स या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटीज़ दिवाली के टाइम मत करिए। इस तरह की चीज़ों को कई बार करने से प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार साफ़ सफाई के दौरान दिवाली के टाइम जो लोग करते हैं उससे लोगों को थोड़ा मसल स्प्रेन या इंजरीज होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। कार्डियक पेशेंट्स को ओवर एग्जर्शन का थोड़ा रिस्क रहता है, तो थोड़ा इससे हम बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है और स्पेसिफिक तरह की कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, क्योंकि हर तरह की बीमारी के हर तरह के इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं। जिसको BP का प्रॉब्लम है उसके अलग इश्यूज हो सकते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है अलग इश्यूज हो सकते हैं, अरिथमिया के प्रॉब्लम्स में अलग इशू हो सकते हैं। तो हर तरह के पेशेंट्स के लिए अलग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करें, कंसल्ट करें ऐसे टाइम तो ज़्यादा अच्छा है। वो आपकी बीमारी के हिसाब से आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे जिनको फॉलो करने से आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी दिवाली के सीजन में हार्ट के पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।